प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आदर प्यार सम्मान के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको कुंडली का, ग्रहों का, लग्न का, भाव का पूरा ज्ञान कराऊँ, प्राप्त कराऊँ और आप लोग अपनी कुंडली देखने खुद ज्ञाता हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, शुक्र शनि शुक्र ग्रह की युक्ति, कुंडली के किन किन भाव में आपको भाग्यशाली बनाता है, ये दोनों आपस में मित्र हैं। जैसा आप जानते हैं कि शुक्र और शनि शुक्र आपस में मित्र हैं, स्वतंत्र ग्रह हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक ऐसो आराम का सूचक है। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में शनि शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग धनवान होते हैं, कर्मठ होते हैं, कुशल खिलाड़ी होते हैं, इनका जीवन सफल होता है। इसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में शनि शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग माता पिता का अच्छा इज्जत पाते हैं, धन पाते हैं, माता पिता का सेवा करते हैं, माता पिता का अच्छा सुख पाते हैं, भाई बंधु का सुख पाते हैं और कभी इनको गरीबी नहीं है। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में शनि शुक्र की युक्ति हो, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग सेक्सी विचार के होते हैं। महिला है तो कई पुरुषों से संबंध रखती है, पुरुष है तो कई महिलाओं से संबंध रखता है, ऐसे लोग स्वतंत्र शादी करते हैं, इनका दाम्पत्य जीवन ऐसो आराम से व्यतीत होता है, कभी विवाद नहीं होता है। तथा दोस्त, ऐसे लोग राजनीति में भी सफलता पाते हैं, व्यवहार में भी पाते हैं और उच्च वर्ग के अधिकारी हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से दसवें भाव में शनि शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, जीवन में कई उद्योग करते हैं, कई जमीन जायदाद का निर्माण करते हैं, कभी कर्जदार नहीं होते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें ग्यारहवें भाव में जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में शनि शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं, इनके पास जो भी धन दौलत रहता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है, ऐसे लोग उदार होते हैं, खर्चीला होते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, कम परिश्रम में अच्छा धन कमाते हैं, ऐसे लोगों को केमिकल का, लोहे का, कोयले का, रियल इस्टेट, गल्ला संबंधी व्यापार में अच्छा लाभ मिलता है, ऐसे लोग प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, वहाँ सफलता मिलता है, छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं और इनका जीवन पूर्ण सफल होता है। ये बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। अगर किसी मित्र को अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना है तो उनको थोड़ा शुल्क देना होगा, शुल्क देंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। संपर्क करने के लिए, शुल्क संपर्क करने के लिए आपको मैं फ़ोन नंबर बतला देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है, इस पर संपर्क करिए, मैं फीस आपको बता दूंगा, फीस आप देंगे तो मैं पूरे कुंडली का विवेचन कर दूंगा। इतना कहते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार।